Assalamualaikum, I'm Sana. Welcome to my channel Sana Secrets. कैसे हैं आप लोग? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे. मेरे पास स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए मैं कोई ट्रीटमेंट बताऊँ. सो बॉयज गेट रेडी, दिस ट्रीटमेंट इज़ फॉर यू. मैं आज आपको बताऊँगी बहुत ही अमेजिंग ट्रीटमेंट जिससे आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स एक दफ़ा के यूज़ ही ख़त्म हो जाएंगे. इस ट्रीटमेंट के 5 स्टेप्स हैं. आपने पूरे 5 स्टेप्स को फॉलो करना है, एक भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना. हमारा फर्स्ट स्टेप है स्टीमिंग. स्टीमिंग का एक तरीका आप लोगों को आइडिया है कि आप पानी बॉयल करें, गर्म करें और आप टॉवल से अपने फेस को कवर करके स्टीम ले लें. और वो प्रोसीजर आई थिंक बॉयज़ को बहुत ही मुश्किल लगता है. मैं आपको इजी तरीका बताऊंगी. आपने क्या करना है, किसी भी बाउल में आप गर्म पानी ले लें. आपने फुल गर्म पानी लेना है और आपने क्या करना है, टॉवल लेना है और उसको गर्म पानी में डिप करने के बाद इस तरह से आपका जो अफेक्टेड एरिया है, मोस्टली ब्लैक हेड्स जो हैं वो नोज़ पे और चिन एरिया पे होते हैं, आप इस तरीके से अपने अफेक्टेड एरिया पे गर्म पानी वाले टॉवल को रखेंगे. 5 मिनट तक आप ये प्रोसीजर करेंगे. जैसे ही टॉवल ठंडा होगा आप फिर से गर्म पानी में डिप करके इस तरीके से अपने नोज़ और चिन एरिया को जो है स्टीम देंगे. स्टीमिंग से क्या होगा, आपके जो पोर्स हैं ओपन हो जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे. तो जो ब्लैक हेड स्किन के अंदर तक गए होते हैं वो ईजीली जो है रिमूव कर सकते हैं आप. वो निकलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी. तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है स्टीमिंग, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है. एक्सफोलिएट करना बहुत ही ज़रूरी है. अगर आप ये स्टेप करेंगे तो आपके जितने भी ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं, अगर वो बहुत डीप भी हैं तो वो बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे. और ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है. इसके लिए आपको चाहिए कोलगेट टूथपेस्ट. जी, आपको ये वाइट कलर वाला ही कोलगेट टूथपेस्ट लेना है. आप सोच रहे होंगे सना ब्रश करने लगी है. नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है. मैं आपको टूथ ब्रशिंग नहीं सिखा रही, मैं आपको एक्सफोलिएशन का तरीका बता रही हूँ. आपने लेनी है कोलगेट टूथपेस्ट, कोई भी ले लें आप, वाइट टूथपेस्ट होनी चाहिए लेकिन. और हमें चाहिए बेकिंग सोडा. आपने क्या करना है, 2 टीस्पून बेकिंग सोडा लेना है, 1, 2. और इसमें मैं ऐड करूंगी कोलगेट टूथपेस्ट 1 टीस्पून. आपने भर के टूथपेस्ट इसमें डाल देनी है. ये मैंने तकरीबन 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिए. अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी. आप उतना पानी ऐड करेंगे जिससे अच्छा सा पेस्ट बन जाए. लुक, मिक्स इट वेल. आप अप्लाई करेंगे तो मिंट की वजह से थोड़ी सी टेंगलिंग आपको होगी, लेकिन आप उससे ये मत सोचिएगा कि हमारी स्किन पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला इससे. इससे आपके ब्लैक हेड्स जो हैं बहुत ही जल्दी रिमूव होंगे. आप इस तरीके से इसको अपने नोज़ एरिया पे और अगर आपके चिन पे भी ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, आप अप्लाई करेंगे इस तरीके से. अप्लाई करने के बाद जो है आपने इसको छोड़ देना है 3 मिनट्स के लिए. आप 5 मिनट्स के लिए भी रख सकते हैं इसको, लेकिन 3 मिनट्स जो है इनफ है. आप 3 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दें अपनी स्किन पे. आफ्टर 3 मिनट्स आपने क्या करना है, टूथब्रश लेना है. जी, अब आप जो ब्रश है अपने दांतों पर नहीं करेंगे, इसको हम करने जा रहे हैं अपने ब्लैक हेड्स वाले नोज पे और अपने चिन एरिया पे. अगर आपको फोर हेड पे इशू है तो आप उस पे भी कर सकते हैं. तो आप ब्रश करेंगे इस तरीके से आफ्टर 3 to 5 मिनट्स. ब्रश की मदद से इस तरह अपनी स्किन को जो है आपके, इससे क्या होगा, आपके जितने भी डेड स्किन सेल्स हैं रिमूव हो जाएंगे. आपके ब्लैक हेड स्टीम की वजह से ऑलरेडी पोर्स जो है ओपन हो चुके होंगे. अगर आपके बहुत ज़्यादा डीप और डार्क ब्लैक हेड्स नहीं हैं तो वो सिर्फ इस प्रोसीजर की वजह से ही आपके जो ब्लैक हेड्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे. तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए हमें चाहिए शुगर, वाइट शुगर, चीनी लेनी है आपने. चीनी मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून. और जो हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है शक्कर. शक्कर आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इफ़ेक्टिव है. शक्कर आप लेंगे 1 टीस्पून. दोनों को मिक्स कर लें. चीनी और शक्कर को आपने मिक्स कर लेना है. और हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट है इस अमेजिंग स्क्रब के लिए वो है रोगने बादाम. आपने आलमंड ऑयल लेना है.
आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रोग में बादाम यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ज़्यादा मैक्सिमम और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और रोग में बादाम का तेल जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। इफ़ेक्टेड एरिया के लिए स्क्रब इज़ रेडी। स्क्रबिंग आपने लाजमी करनी है। आपने क्या करना है, ये स्क्रब रेडी हो गया। देखें इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है। इसको आपने अपने नोज़ पे और चिन एरिया पे जो है इस तरीके से आपने स्क्रब करना है 5 मिनट्स तक। के लिए हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमें चाहिए हनी और हमें चाहिए दूध। मिल्क चाहिए हमें, दूध, हनी आपने लेना है 3 टीस्पून। 3 टीस्पून जो है भर के आप हनी ले लें और दूध जो हमें चाहिए मिल्क वो बहुत ही थोड़ा ऐड करेंगे हम। दूध हम इसमें ऐड करेंगे सिर्फ 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही लेंगे। दूध की क्वांटिटी हमने कम रखनी है, मिक्स इट वेल। और इसको अब हमने थोड़ा सा गर्म करना है। गर्म करने का तरीका ये, आप माइक्रोवेव में जो है इसे 6 to 7 seconds गर्म करेंगे तो ये बहुत थिक और बहुत ही आप कह सकते हैं चिपकने वाला पेस्ट बन जाएगा। ये आपका पील ऑफ मास्क जो है रेडी हो जाएगा। अगर माइक्रोवेव नहीं है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो आप डबल बॉयलर प्रोसेस पे इसको करेंगे। उसका तरीका क्या होता है, आप किसी भी सॉस पैन में, किसी भी पैन में पानी को गर्म कर लें और इस शीशे के बाउल को आप उसमें ऐसे रख देंगे गर्म पानी में, और तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये पेस्ट जो है थिक बन नहीं जाएगा। इस जिस तरह की कंसिस्टेंसी मुझे इसकी चाहिए थी, ये कितना थिक हो गया और बहुत चिपकुसा हो गया। इसको मैंने सिर्फ 5 सेकेंड्स तक जो है गर्म किया। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, अब ये थोड़ा ठंडा हो गया। अब मैं इसको अपनी स्किन पे लगा सकती हूँ। मैंने इसको बिल्कुल ठंडा नहीं किया, ये बिल्कुल हल्का मुनासिब सा गर्म है जो मेरी स्किन बर्दाश्त कर सकती है। आपने क्या करना है, टिश्यू पेपर लेना है, इस तरह स्ट्रिप्स बना लेना है उसको कट करके। इससे पहले अपनी स्किन पे इस तरह से आपने मटेरियल को लेना है, अपने नोज़ एरिया पे आप अप्लाई करेंगे इस तरीके से। जितने आपका जो भी अफेक्टेड एरिया है, जहाँ पे ब्लैक हेड्स हैं, नोज़ पे, चिन पे, आप इसको इस तरीके से प्रॉपर अप्लाई करेंगे। आप देख रहे होंगे ये बहुत ही थिक और थोड़ा चिपकू सा पेस्ट है। इस तरीके से आपने अप्लाई करने के बाद जो टिश्यू की हमारी स्ट्रिप है इस पे आप ये डबल स्ट्रिप इस तरीके से रखेंगे। लुक इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने फिर से इस मटेरियल को लेना है अपने नोज़ एरिया पे और इस स्ट्रिप के ऊपर भी आप इसको डालेंगे इस तरीके से। आपने 2 लेयर्स बनानी है और उसके बाद आप फिर से टिश्यू लेंगे। अभी मैं आपको रफली अपने हाथ पे करके दिखा रही हूँ। थोड़ी सी मेहनत तो फिर करनी पड़ती है अपनी स्किन को क्लियर करने के लिए। इस तरीके से आप इसको प्रेस कर दें ताकि ये अच्छे से चिपक जाए आपकी स्किन पे। इस तरीके से आप इसको प्रेस कर दीजिएगा 20 मिनट्स के लिए। आपने फिर इसको छोड़ देना है अपने नोज़ या चिन एरिया पे लगा के। सो बॉयज, जब ये ड्राई हो जाएगा 20 मिनट्स के बाद, तो आपने ड्राई होने के बाद 20 मिनट्स आपने इसको लाजमी लगा रहने देना है। अभी मैंने अपनी वीडियो को कंटिन्यू करना है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैं ड्राई होने का वेट नहीं कर रही। मैं आपको सिर्फ शो करूँगी कि आपने किस तरह से इसको रिमूव करना है। जब ये ड्राई हो जाएगा आपने इस स्ट्रिप को इस तरीके से जो है रिमूव कर देना है और आपके जितने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होंगे वो इस मटीरियल पर आ जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद आप अपने इसी एरिया पे दूध को लेके थोड़ा सा मसाज करेंगे। और जो हमारा लास्ट स्टेप है, वैसे तो आपके ये स्ट्रिप वाले स्टेप से ही जितने भी ब्लैक हेड्स होंगे, वाइट हेड्स होंगे, वो रिमूव हो जाएंगे। अगर फिर भी आपके कुछ ब्लैक हेड्स रह जाएं, तो ये पिन मिलती है ब्लैक हेड्स रिमूवर की, आप ये ले लें। और मैं इसको सजेस्ट नहीं करती, मैं प्रेफर नहीं करती, क्योंकि ये लोगों को यूज़ नहीं करना आता, तो वो अपनी स्किन को
ज़ख्मी कर लेते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत बुरे तरीके से हार्शली इसको यूज़ करते हैं, इंजर्ड कर लेते हैं अपने आप को, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करती। लेकिन आपको अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं और आप उसको उसी टाइम रिमूव करना चाहते हैं, फिर आप इस पिन को यूज़ करेंगे इस प्रोसीजर के बाद, दूध की थोड़ी सी मसाज करने के बाद, जहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स आपको इस प्रोसीजर के बाद भी अगर शो हो रहे हैं, अपने इस तरह जेंटली अपने ब्लैक हेड्स पे इस तरीके से उसको मूव करना है। आपने बहुत इसको रगड़ना नहीं है, ज़ोर से नहीं करना, प्रेशर आप इसके लिए आपको चाहिए एग, आपने एग वाइट लेनी है। हम एग वाइट यूज़ करेंगे इसमें, मैं सेपरेट कर लेती हूँ एग वाइट को। इसमें मैं एग वाइट ले लेती हूँ और योक को जो है मैं सेपरेट कर लूँगी लाइक दिस। पूरे एक अंडे की सफ़ेदी लेनी है आपने, और ये मैंने अपनी योक सेव कर ली अपने हेयर मास्क के लिए। ये हमारे पास एग वाइट हो गई है। एग वाइट को आपने बहुत अच्छे से बीट करना है। आप इसको जितना अच्छे से बीट करेंगे और इसमें झाग बन जाएगी तो ये ज़्यादा अच्छा फेस पैक बनेगा। इसलिए मैं फॉक यूज़ कर रही हूँ। फॉक से जो है बहुत अच्छा से बीट हो जाती है हमारी एग वाइट। ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर झाग आ गई है। इसमें आपने ऐड करनी है ओनली हाफ टी स्पून। आपने इस पेस्ट को थिक नहीं करना, देखें इतनी हाफ टी स्पून आपने मुल्तानी मिट्टी लेनी है। इसको इस तरीके से डाल दें। लुक, मैंने ज़्यादा नहीं ली, सिर्फ हाफ टी स्पून मुल्तानी मिट्टी लेनी है आपने, ताकि जो आपका एग वाइट पेस्ट है वो थिक ना हो। अब इसको मिक्स करें। अगर आप ज़्यादा मुल्तानी मिट्टी ले लेंगे तो एग वाइट कम पड़ जाएगी और ये फेस पैक उस तरह का नहीं बनेगा जिस तरह का मैं चाह रही हूँ। और ये आपकी स्किन को इंस्टेंटली, आपने इसको तब तक लगा रहने देना जब तक ये ड्राई नहीं होता। मिनिमम आपने 30 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है।